समझ रहे हो कैसे जी रहे हो आप? हवा में जी रहे हो, हवा में। कंप्यूटर में एक बॉक्स जिसका नाम है डीमैट अकाउंट, उसमें आपके इतने सारे शेयर्स, इस कंपनी के शेयर्स पड़े हुए। क्या शेयर है? क्या मतलब है शेयर का? मतलब क्या है? आपकी इतने परसेंट हिस्सेदारी है उसमें, आप इतने परसेंट के कंपनी के मालिक हैं। अच्छा लग रहा सुन के, पर उसमें है क्या वस्तु? कुछ नहीं, कुछ वस्तु नहीं है। वो कंपनी आज डूब जाती है, आपके पास कुछ नहीं है। जिस कंपनी के पास आपका डीमैट अकाउंट है, वो कंपनी आज डूब जाए, आपके पास कुछ नहीं है, आपका सारा इन्वेस्टमेंट लॉस। जो जो शेयर्स आपके पास हैं, वो कंपनी आज लॉस में चले जाए, आपके हाथ में कुछ नहीं। हवा। तो ऐसी जगह पर रहकर भी लोगों के लाखों लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट निकलवा के ला लेके आते थे। क्या बेचते थे? हवा बेचते थे, शब्द बेचते थे, सपने बेचते थे। और उन सपनों को बड़ी उमंग से खरीदता है व्यक्ति, बड़ी उमंग से खरीदता है। 5 साल बाद मेरा इतना परसेंट हो जाएगा, 10 साल बाद इतना परसेंट। सारे की सारी चीजों में क्या प्रयोग चल रहा है? डीमैट से मतलब नहीं मेरा, न शेयर से मतलब मेरा। काम क्या कर रहा है उसके पीछे? ज्ञान, बुद्धि, विवेक। वह पूरा का पूरा ज्ञान बाहर बाहर में लगा है। मेरे लिए क्या कर रहा है? अपने लिए ये ज्ञान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। इतना बल, इतना पौरुष, इतना शक्ति, इतनी विद्याएं, सारे के सारा प्रयोग कर डाला किसके लिए? दशानन को, वरुण को पकड़ के लाने के लिए। हनुमान ने, श्री शैल ने अपनी सारी की सारे बल, सारी की सारी बुद्धि, सारी के सारे छह उपशम, सब का प्रयोग था, जितनी विद्याएं थी सब लगा डाली किसके लिए? वरुण को पकड़ के दशानन को सामने देना है, इसके लिए। तब काम नहीं कर रही थी बुद्धि, तब बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अपनी आत्मा के शत्रु को पकड़ लो, काम नहीं कर रही थी। उन श्रीशैल की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि मेरे कर्म शत्रुओं को पकड़। रावण के शत्रुओं को तो कोई भी पकड़ लेगा, पर मेरे कर्म शत्रु को कौन पकड़ के ला पाएगा? वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा, उसको तो मुझे ही पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। काम ही नहीं कर रही। वरुण को पकड़ने में बुद्धि काम कर गई, बल काम कर गया। अपने अंदर बैठे हुए शत्रु, कर्म शत्रु 148 बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी सेना चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई है। कहीं इधर से तीर मार के छित विच्छेद कर रही है, कहीं उधर से तलवार मार के छित विच्छेद, कहीं से भाला चुभाती है, कहीं से मुगदर मारती है। 148 शत्रु निरंतर इस आत्मा को ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। उनसे ये आत्मा बेचारी घायल तड़प रही है, व्याकुल हो रही है। उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। बाहर के शत्रु को पकड़ना आसान है, बाहर के शत्रु को पकड़ना कठिन नहीं है, आसान काम है। अंदर में पल रहे, अंदर में पल रहे भाव शत्रु और द्रव्य शत्रु, क्योंकि दो प्रकार का कर्माश्रव होता है, बंद होता है, द्रवाश्रव भावाश्रव, द्रव बंद भाव बंद, द्रव बंद पुद्गल वर्गणा का बंधना है, पर उसमें सामर्थ्य बंधने की नहीं है। आप परिणाम करते हो, भाव करते हो, उस भाव से पुद्गल वर्णा बंधती है, इसलिए आपका भाव शत्रु। कर्म शत्रु तो एक क्षण में बाहर भी होता है, अमन नमन, कर्म शत्रु एक सेकंड में बाहर होता है। हमारा भाव शत्रु पकड़ में नहीं आ रहा है, कहानी यहां अटक गई है। कर्म शत्रु तो क्या है? बंधा हुआ है, एक मिनट में बाहर होता है, निकल जाएगा। द्रव्य शत्रु, द्रव कर्म कुछ कुछ शक्ति वाला नहीं है। भाव कर्म मेन है, वो भाव कर्म, भाव शत्रु हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए द्रव्य शत्रु हमारे घर में कब्जा करके बैठ गया है। ज्ञान के प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग, हनुमान जी अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने आत्महित में नहीं करके वरुण को पकड़ने में किया, तो वरुण को पकड़ लिया, ले जाकर के रावण के सामने पेश कर दिया। अपनी विजय पताका फहराते हुए उस वरुण के, पाताल पुंडरी के नाम का जो नगर था उस वरुण का, उस पर अपना अधिकार जमा दिया, अपने देश का झंडा फहरा दिया, विजय हो गए।
किला विजय तो कर लिया, किला तो फतेह हो गई, आत्म किला कहां फतेह हुई है? आत्म किले के ऊपर कहां भी तुम्हारा झंडा अपना झंडा फेर पाया है? वहां तो भी फिरंगियों का झंडा ही फहरा रहा है, अभी भी झंडा फहरा दिया। उधर जब विजय की घोषणा हो गई, सारी दशानन की पूरी सेना जो विशाल समुद्र की भांति चारों तरफ फैली हुई थी, ऐसी विशाल सेना के अंदर उत्साह और उत्सव होने लग गया, नाच गाना शुरू हो गया। इधर भानुकर्ण ने उस पाताल पुंडरीक नगर में अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करके जो वरुण की रानी थी, रानियां थीं, उनकी जो दासियां थीं, उनको बहुत प्रताड़ित किया और पकड़ पकड़ के सबको कैद खाने में डाल दिया। उस नगर की जितनी शुभ चेष्टा धारक स्त्रियां थीं, सभी को उन्होंने बंदी बना लिया और बंदी बना करके रावण के सामने उन्होंने पेश कर दिया। तब रावण ने भानुकर्ण से कहा, हे अनुज, तू ये क्या कर बैठा? ये तो बेचारी वैसे ही पति के वियोग में कष्ट ग्रसित हैं, ये तो अपने स्वामी के बंदी हो जाने से वैसे ही दुखित हैं, और इन बेचारी अबलाओं का क्या दोष, ये तो अपने स्वामी की अनुचारणी होती हैं, ये तो सभी अपने स्वामी के पीछे पीछे गमन करने वाली होती हैं, इन बेचारियों का क्या दोष जो तूने इन्हें इतने कष्ट में डाल के रखा हुआ है? ये बेचारी स्त्रियां इस कष्ट देने के योग्य नहीं है, और तू वीर पुरुष है, स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा करना तुझे शोभा नहीं देता है, इसलिए शीघ्र ही इन सारी की सारी स्त्रियों को बंधन मुक्त करो। रावण का आपने क्या स्वरूप पढ़ के रखा हुआ, क्या जान के रखा हुआ है? रावण का आपने क्या स्वरूप पढ़ के और क्या स्वरूप जान के रखा हुआ है? मिलो पद्म पुराण से, तब आपको पता पड़ेगा। वो तो एक गलती की है बेचारे ने, उस एक गलती की सजा आज तक भोग रहा है। बाकी रावण बहुत उदार चित्र और बहुत धर्मात्मा जीव था, विद्वान था, ज्ञानी था, पंडित था, भगवान जिनेन्द्र का भक्त था, कुछ पर्याय की प्रत्यशक्ति, प्रतिनारायण पद था, उस पद के अनुसार उसके भाव दशा वैसी थी, और कुछ लोक में जो उसके बारे में जितनी भी ये कथा पुराण है, उन कथा पुराणों में उसके बहुत सारे सत्य स्वरूप का व्याख्यान नहीं मिलता है। उसको एकदम क्रूर हिंसक इस प्रकार का प्राणी दिखाया गया, जबकि दशानन ऐसा नहीं था। दुर्दशा तो केवल एक गलती के कारण हो रही है उसकी, बाकी तो उसमें बहुत अच्छाइयां भी थीं। इस प्रकार से जब रावण ने भानुकर्ण को आदेश दिया, तुरंत ही राज्य आदेश पाकर के भानुकर्ण ने उन स्त्रियों को बंधन मुक्त किया, सभी से क्षमा याचना की कि मेरी धृष्टता हुई, मेरी क्रूरता, कि मैंने आप जैसी सतियों और शीलवंती स्त्रियों, उनमें से कई स्त्रियां तो यही सोच रही थीं कि अब तो हमारा सील भंग समझो, न जाने शत्रु राजा हमारे साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार करेगा, क्योंकि देख ही रहे हैं जिसका छोटा भाई ऐसा व्यवहार करेगा तो बड़ा भाई क्या करेगा उसका। तो एक सखी दूसरी सखी से, एक रानी दूसरी रानी से कहती थी, यदि मेरे सील पर किंचित भी आँच आई तो मैं तो उसकी ही कटार छीन कर अपनी कुक्षी में उसको कटार मार लूंगी और मैं तो मृत्यु का वरण कर लूंगी, पर मैं अपने सील पर आँच नहीं आने दूंगी। कई स्त्रियां इस प्रकार की, नाना प्रकार की, कैसे रक्षा हो पाएगी हमारी, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, नाना प्रकार का वार्तालाप करती हुई स्त्रियां बहुत दुखित और घबराहट के मारे कपकपा रही थीं। ऐसी दशा को देख करके दशानन ने जब उनको मुक्त करवाया, भानुकर्ण ने उनसे क्षमा याचना की कि मेरे जैसे दुष्ट पुरुष के द्वारा आपका तिरस्कार हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दशानन की इस वृत्ति को देख करके, यद्यपि वरुण पहले भी एक बार रावण का बंदी हो चुका था परंतु उसकी पुनः अवज्ञा करने लगा था, लेकिन इस उदार चित्तता को देख करके, रावण की इस महानता को देख करके, और वरुण ने उसके सामने प्रणाम किया। उसने कहा, हे
हे वीर पुरुष, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने उदार चित्त हो और धर्म के नीति न्याय के आप इतने कुशल पालक हैं। मैं तो आपको केवल इंद्र विजेता रावण दशानन समझता था, मैं तो आपको केवल सोम विजेता दशानन समझता था, मैं तो आपको केवल और अन्य अन्य सहस्रश्मि आदि आदि योद्धाओं के ऊपर क्रूरता से विजय प्राप्त करने वाला नलकूबर जैसे लोकपालों को ध्वस्त करने वाला एक क्रूर प्राणी समझता था। मुझे नहीं मालूम था आपके अंदर एक धर्मात्मा भी बैठा हुआ है। इसलिए आज हृदय से मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका अनन्य सेवक अपने आप को स्वीकार करता हूँ। तब दशानन ने कहा, वरुण तू मेरा भाई है, मुझे तेरी संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है और ना ही मुझे तेरी स्त्रियों से कोई प्रयोजन है, क्योंकि मेरे लिए पर स्त्री जड़ पुतली के तुल्य है, मेरे लिए पर स्त्री जड़ पुतली के तुल्य है, एक स्वप्न के तुल्य है। इसलिए पर स्त्री को तो स्वप्न में भी देखना पाप का बंध का कारण है। इसलिए मुझे तेरी स्त्रियों से कोई प्रयोजन नहीं, तेरे धन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, तू सुख से रहे, जिस तरह तू अपना राज्य करता था उस तरह पुनः तू अपने राज्य को कर, बस दशानन की अवज्ञा मत कर, ऐसा कर। उन्होंने दशानन ने वरुण को पुनः अपने राज्य पर स्थापित किया और जो पाताल पुंडरीक नगर था पुनः उसको उसका राज सौंप दिया, उसकी पत्नी और उसकी सेविका सेवक आदि को सभी को सेना को सभी को उसी को सौंप दिया। इस बात से प्रभावित होकर के वरुण की जो सर्वसुंदरी पुत्री थी उसका नाम सत्यवती था, उस सत्यवती नाम की जो कौमार और रूप लावण्य की जो साक्षात प्रतिमा ही थी, प्रतिमूर्ति ही थी और साक्षात कामदेव को भी त्रसित ताड़ित करने वाली थी, ऐसी वह रूपवती नाम की कन्या से वरुण ने धूमधाम से रावण का विवाह किया और रावण को अपना दामाद बनाया। इस प्रकार से पत्नी रूप वैभव को और युद्ध में विजय रूप धन संपत्ति को पाकर के दशानन लंकापुरी को पुनः वापस हुआ। हनुमान ने जो वीरता और शूरता प्रकट की थी उस शूरता और वीरता के लिए उन्होंने दशानन ने उनको बार बार अभिभूत किया और बार बार उनका आलिंगन करके उनको उस वीरता के लिए पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, पवनन जय ने आपको जो मेरे पास पहुंचा करके मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसके बदले में आपका कुछ भी नहीं चुका सकता हूं। आपने जो दशानन की आज 100 वरुण के 100 पुत्रों से रक्षा करके और मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं और आपको मैं अपना अनन्य मानता हूं। इसलिए मेरी बहन चंद्रनखा की पुत्री का मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। इस प्रकार से श्रीशैल को कर्ण कुंडल नगर की किष्किंध नरेश सुग्रीव की पद्मरागा नाम की पुत्री, पाताल लंका खरदूषण की अनंग पुष्पा नाम की पुत्री, किष्कुपुर नरेश नल की हरि मालिनी नाम की पुत्री, किन्नर गीत नगर की 100 कमलांगनाएं, ऐसी कई एक हजार स्त्रियों से हनुमान का विवाह किया गया। अब यहां पर थोड़ा सा विकल्प इस बात का है, वैदिक संप्रदाय में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना गया है और जैन संप्रदाय में भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना गया है, परंतु जैन दर्शन के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी नहीं माना गया और वैदिक रामायण के अनुसार बाल ब्रह्मचारी माना गया है। दोनों ही अवस्थाओं में हनुमान जी को ब्रह्मचारी स्वीकार किया गया है। कैसे कि जैन रामायण में, वैदिक रामायण में तो उनको बचपन से ही ब्रह्मचारी माना गया है, परंतु जैन रामायण में ऐसा जाना गया है कि हनुमान जी को राज्य आदि संचालन की उन्होंने किया, स्त्रियों का सुख भोगा, फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, आगे कथा आएगी इसकी, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए और उन्होंने परम धाम मोक्ष सुख को प्राप्त किया। ये दोनों में समानता है, दोनों ही दर्शन के जो रामायण है उसमें इस बात की समानता है कि हनुमान जी को मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई है। विकल्प केवल कुमार ब्रह्मचार का और विवाह के उपरांत ब्रह्मचार का है। सो
जैसा ग्रंथों के अनुसार जान लेना चाहिए। इसलिए ऐसी उन कई 1000 स्त्रियों का समागम उन श्रीशैल को प्राप्त हुआ। इसके बाद पुनः ऐसी अपार क्षमता और साथ में ही कर्णकुंडल नामक नगर भी दशानंद के द्वारा हनुमान जी को भेंट किया गया। कर्णकुंडल नामक नगर और साथ में ही कई 1 स्त्रियों का धन, कई 1 वैभव, हाथी, घोड़े, बहुत सारा धन संपत्ति आदि आदि दशानंद के द्वारा श्रीशैल को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। उस संपत्ति को पाकर वे श्रीशैल अपने इंद्रिय भोग रूपी ऐश्वर्य और सुख में निमग्न हो गए। बहुत समय बीतता चला गया, बहुत समय बीतता चला गया और सभी दशानन अपनी लंका नगरी में अपना सुख का जीवन, अब उनका कोई भी शत्रु, कोई भी कंटक इस भूमि पर दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए वो भी निशत्रु निष्कंटक हुए, वो भी अपने सुख से अपना जीवन जीते थे। यहाँ पर पवनंजय अंजना के साथ हनुमान अपने अपने वैभव के साथ बहुत शांति और बहुत सुख का जीवन जीते हुए अपना जीवन का यापन करते थे। ऐसा कहते हुए फिर भगवान जिनेन्द्र ने गौतम स्वामी ने सैनिक से कहा, जैसे दशानन नाम का प्रतिनारायण हुआ है, ऐसे और भी प्रतिनारायण हुए हैं, नारायण हुए हैं, बलभद्र हुए हैं। उन्होंने तीर्थंकर सैनिक ने प्रश्न किया कि भगवान आपने जो तीर्थंकर का वर्णन किया, उस तीर्थंकर के वर्णन में जो यहाँ वर्णन चल रहा था उसमें और कौन कौन होते हैं, क्या तीर्थंकरों के अलावा और वो कोई महान पुरुष होते हैं, अथवा जब भगवान जिनेन्द्र की वाणी में आया था कि बलभद्र होते हैं, नारायण हो गए, प्रतिनारायण हो गए, नारद हो गए, इन सब के बारे में आपने वर्णन किया, आपने बलभद्र के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो कृपया कर मुझे बलभद्र का कुछ वर्णन कीजिए। गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, जैसे तीर्थंकर होते हैं महापुरुष, वे अपनी कर्म प्रकृतियों का नाश करते हुए 16 कारण भावनाओं को भाते हुए उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं और तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त कर वे परम निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जो उत्तम मुनिचर्या का पालन करते हुए वे जीव किंचित किंचित न्यूनता रहने के कारण मोक्ष नहीं जा पाए, इसलिए वो बलभद्र पद को प्राप्त हुए। और इस प्रकार से बलभद्र में 8वें नंबर के बलभद्र रामचंद्र जी का मैं तुम्हारे सामने वर्णन, कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया समय के अभाव के कारण, 8वें बलभद्र पूरा बलभद्र का उन्होंने पूर्ण वर्णन किया, तीर्थंकरों का पूरा वर्णन किया, किस काल में हुए, कितने हुए, एक तीर्थंकर से बीच में दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितना समय का अंतराल रहा, एक नारायण के बीच में दूसरे नारायण के बीच में कितना अंतराल रहा, कौन तीर्थंकर किसके पुत्र हुए, कहाँ जन्म लिया, कहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया, सारा वर्णन उन्होंने किया है इसमें। वो सब मैंने समय अभाव के कारण छोड़ा, क्योंकि तीर्थंकरों का वर्णन वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है और जिसको पढ़ना है वो 9वें परिच्छेद में 20वें परिच्छेद में पूरा ये सब वर्णन मिलेगा आपको, तीर्थंकरों का वर्णन, कुलकरों का वर्णन, 14 कुलकर होते हैं, कुलकरों से किस प्रकार से पृथ्वी का संचालन होता है, फिर चक्रवर्ती होते हैं, कौन कौन चक्रवर्ती हुए, कैसे कैसे हुए और किसके पुत्र थे, कितना समय उनका काल रहा, किसके बाद कौन सा चक्रवर्ती हुआ, ये सारा तीर्थंकरों का, कुलकरों का, चक्रवर्ती का, नारायण का, प्रतिनारायण का, बलभद्र का, सभी का उन्होंने वर्णन अपनी देशना में किया। उसके बाद फिर जब सबका वर्णन हो गया तब सैनिक राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि इसके बारे में किसी को जानना हो तो पद्म पुराण के 20वें परिच्छेद में लगभग 30-40 पेज का पूरा परिच्छेद है, उसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों का आपको वर्णन मिल जाएगा। इसमें केवल स्थान आदि का वर्णन, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। फिर उन्होंने निवेदन किया कि भगवान आपने तीर्थंकर के बारे में बताया, कुलकर चक्रवर्ती आदि के बारे में आप पूर्व में बता चुके, लेकिन आपने अभी जो बलभद्र का नाम लिया था वो बलभद्र कौन होते हैं, रावण के काल में क्या कोई बलभद्र हुए थे, कृपया कर उनका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब भगवान गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, हाँ, उस दशानन के समय में 8वें बलभद्र हुए थे जिनका नाम पद्म था, अथवा उनका नाम रामचंद्र जी था। वह रामचंद्र जी कैसे थे आपको पता लगेगा,
खल के प्रवचन से, नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहूणम। संस्कार धाम ट्रस्ट मुंबई के तत्वावधान में महाराष्ट्र राज्य की धर्मनगरी मुंबई के उपनगर मलाड शहर में आयोजित होगा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्रेष्ठवाड विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, परम पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्रेष्ठवाड, अक्षय सागर जी महाराज ससंग परम पूज्य मुनि श्रेष्ठवाड, शैल सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्रेष्ठवाड, अचल सागर जी महाराज परम पूज्य अलग 105, उपशम सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह, जिसमें विभिन्न मांगलिक गतिविधियों के साथ साथ सौभाग्यशाली भक्त जन करेंगे पूज्य गुरुदेव ससंग को नवीन पिछी भेंट और उनकी पुरानी पिछी प्राप्त कर पाएंगे मंगल शुभाशीष। देखिए भव्य पिछी का परिवर्तन समारोह का विशेष प्रसारण 25 दिसंबर 2023 को दोपहर 2 बजे सिर्फ चिनवाड़ी चैनल।